स्पेशली महिलाओं के लिए और गर्ल्स के लिए। आप अपने अधिकारों को तभी जानेंगी जब आप पढ़ेंगी, शिक्षित होंगी, हमारा समाज का विकास होगा। अगर हम देखें अपने कंट्री के अकॉर्डिंग दूसरे कंट्री को, तो हमारे कंट्री में औरतें 48% औरतें हैं। जो एजुकेशन नहीं मिल रहा है या शिक्षित नहीं है, जिसके वजह से ना ही वो अपने समाज के लिए कुछ कर पा रही हैं, ना ही वो अपने परिवार के लिए। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन इसको और लाने की ज़रूरत है। अदर कंट्री में अगर हम देखें तो 75% वोमेंस लेडीज़ वर्क कर रही है फील्ड में, और हमारे यहाँ नहीं कर रही है। तो डेफिनेटली हमारा देश, हमारा घर, हमारा समाज, इसका विकास नहीं हो रहा है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और जो लेडीज सुन रही हैं मुझे, मैं उनको भी बताना चाहूँगी कि आप लोग शिक्षित होइए, और पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। हम अपने बच्चों से भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं, YouTube पे जाइए, Google से पूछिए हमारा राइट क्या है, वैसे भी आपको बता देगा। और यूँ कहे कि जो हमारे ये सही बात है कि जब हम छोटे रहते हैं तो पापा पे डिपेंड रहते हैं, पापा ये करेंगे, और जब हमारी शादी हो जाती है तो हम अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाते हैं। कहने के लिए तो हस्बैंड कहते हैं सब कुछ आपका है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ भी खर्च करने से पहले हम सोचते हैं क्या हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूछना पड़ेगा। और हम चाहते हैं, यानी मैं स्पेशली चाहती हूँ कि आपको ये पूछना न पड़े, आप धड़ल्ले से अपने पैसे को खर्च कर सके, आप उस लायक बने, समाज में बोलें और अपने अधिकारों को जानें। क्योंकि अगर मान लो आपको कहीं जाना है बाहर, और आपने कहा कि मुझे 2 दिन के लिए कहीं घूमने जाना है पापा, लड़की जाते कहाँ घूमेगी? पहले ही हमें समझा दिया कि हम लड़की जाते हैं, हमें अलग कर दिया। पति से पूछो कहाँ जाओगी, हमारी आज़ादी अलग है और आपकी आज़ादी अलग है, क्यों अलग है? ये राइट हमें मिलना चाहिए, उतनी पावर हमें होनी चाहिए, और ये पावर तभी आएगी जब हम पढ़ेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे। आज बहुत अच्छा मौका मिला मुझे ये बात बताने के लिए, और स्पेशली गर्ल्स, न्यू जनरेशन के लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। हम बर्तन घिसने के लिए और बच्चे जलने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम समाज के एक बेहतर निर्माण के लिए पैदा हुए हैं। थैंक यू सो मच।